राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की समन्वय बैठक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक वृंदावन के केशव धाम में आयोजित की जा रही है, जिसमें राजनेताओं के साथ भारतवर्ष के संघ के कार्यकर्ता भाग लेंगे और देश की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए संघ चालक मोहन मधुर भागवत व सह सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी बीती शाम को वृंदावन पहुंच गए हैं। वे यहां समन्वय बैठक प्रारंभ होने से पूर्व 31 अगस्त तक 3 दिनों में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भावी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार करेंगे। संघ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव एवं 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात बुलाई गई अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में अनुषांगिक बैठकों की राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर के करीब 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रवीण भाई तोगड़िया, दंत्रे होस बोले, कृष्ण गोपाल रामलाल समेत कई केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि सभी स्टेशनों पर जो भी यात्री सुविधाएं हैं और जितना भी हमारे स्टेशनों पर ट्रैक है, पर्टिकुलरली यार्ड्स हैं, मिड सेक्शन हैं, ब्रिजेज हैं, उन सब पे जाकर सभी अधिकारी निरीक्षण करेंगे रेगुलरली और उसका रखरखाव उसी प्रकार से करेंगे। अच्छा सर, अभी जो है आपसे एक सवाल किया गया, यहाँ रेल पटरी रेलवे स्टेशन पर ही कुछ क्लैंप और बोल्ट निकले हुए हैं, आप विजिट पर हैं, आपसे सवाल भी किया गया लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया, क्या ऐसे जो है रेल सुरक्षा जो है? हम इस पे जितने भी स्टेशन हैं हर एक स्टेशन पे रुक के और स्टेशन के रास्ते में रुक के जितने भी ट्रैक में कमियां हैं, जितने भी ट्रैक में फिटिंग्स हैं उनको देख रहे हैं। जहां तक आपकी क्लैंप्स की बात है, कम से कम हम 15 जगह रास्ते में रुक के देख चुके हैं, जहाँ जहाँ पर कमी मिली है उसको ठीक करवा रहे हैं और अभी लौटते में उसको दोबारा चेक करेंगे। SPN9 न्यूज के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।